ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी मऊ की, उसी मऊ की जो अंसारी परिवार के दबदबे वाला इलाका है। और मऊ की सदर सीट का इतिहास है कि 1996 से लगातार मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार अंसारी परिवार की नई पीढ़ी ने सदर सीट से सियासत में कदम रख दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी कितने खरे उतरते हैं या फिर भाजपा की चुनौती कोई रंग दिखा पाती है। तारीखों में दर्ज इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो मऊ सदर सीट का इतिहास कई दाव पेचों के साथ साथ एक दौर में सियासत के केंद्र के तौर पर जाना जाता है, जहां से मुख्तार अंसारी लगातार 1996 से विधायक बनते रहे, लेकिन 22 के रण में अंसारी परिवार की नई पीढ़ी ने अब कदम रख दिया है। मऊ सदर सीट एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि यहां से सुभाजपा के प्रत्याशी अब्बास अंसारी मैदान में है, तो वही दूसरी तरफ उनको चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक से। यूं तो और भी मऊ सदर सीट पर प्रत्याशी हैं, लेकिन कांटे की टक्कर अब्बास अंसारी और अशोक सिंह के बीच देखी जा रही है, क्योंकि जो अशोक सिंह भाजपा की टिकट पर अब्बास अंसारी को चुनौती दे रहे हैं वो ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह के भाई हैं। अजय प्रकाश सिंह की 2009 में हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। मऊ में इस बार काफी रोचक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। बाहुबली और सदर सीट से 5 बार से जीत रहे मुख्तार अंसारी अब की चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनकी सीट से सपा सुभाजपा गठबंधन से बेटा अब्बास अंसारी मैदान में है। अब्बास के मुकाबले बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह को खड़ा किया है। अशोक और मुख्तार के बीच लंबे समय से अदावत चल रही है। दरअसल जिस सीट पर मुख्तार अंसारी लगातार 1996 से काबिज रहे, उस सीट का जातिगत समीकरण समझना भी जरूरी हो जाता है। मऊ सदर सीट पर मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 1,70,000 है, वहीं दलित वोटर्स तकरीबन 90,000, यादव वोटर्स तकरीबन 45,000, राजभर वोटर्स करीब 45,000 और चौहान वोटर करीब 40,000 है। मऊ सदर सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि मुख्तार की नई पीढ़ी अपने पिता की विरासत को संभाल पाती है या फिर पलट जाएगा पासा। एबीपी गंगा के लिए मऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। मऊ सदर सीट के साथ